कैसा लगा? क्या सूचना? देखिए, मिश्री मौसी के सूर्पनखा डांस से प्रसन्न होकर के राधे श्याम ने 111 रुपया प्रदान किया है। जोरदार तालियां। कैसा लगा? क्या सूचना? देखिए, मिश्री मौसी के सूर्पनखा डांस से प्रभावित होकर के डिलाइट सिनेमा हॉल के मालिक प्रेम बाबू ने 151 रुपया प्रदान किया है। बहुत जोर से तालियां। कैसा लगा? क्या हाँ, हमने जो नाच किया। देखो देवी, हम तो शून्य में ताक रहे थे, तुमको क्या लगा हम तुम्हें को झांक रहे थे? हे लवलवाय पुरुष, मैं हूँ सूर्पनखा। दुनिया में ऐसा कौन सा फल है जो मैंने नहीं चखा? मैं हूँ तुम्हारे प्रेम की मारी, तुम्हारे लिए हूँ अब तक कुआरी। हूँ लंकापति रावण की बहन, आई हूँ तुम्हारे लिए यौवन पहन। तुम कौन हो? अब तक क्यों मौन हो? हे देवी, यहाँ ना बनेगी तुम्हारी जलेबी। हम हैं दशरथ पुत्र श्री राम, अब तो जंगल में बिचरना ही है हमारा काम। हाय हाय, राजपुत्र जंगल में चर रहा है, बुधवार को मंगल कर रहा है। हे लवलवाय पुरुष, मुझसे विवाह कर लो, तुम्हारा हर दुख उठाऊंगी, तुम्हें घर जमाई बना के लंका ले जाऊंगी। हे देवी, तुम्हारे मन में उठी शंका मैं मिटा दूंगा। तुम्हारा भाई क्या, तुम्हारे भाई का बाप भी आ जाए तो मैं लंका ना जाऊंगा। मैं विवाहित हूँ, एक पत्नी व्रत धरता हूँ, अपनी को छोड़ सभी को माँ बहन समझता हूँ। हम हैं इनकी पत्नी सीता, ये सिर्फ हमारा हुक्म बजाते हैं। बाहर की घास फूस छोड़, ये सिर्फ घर की लौकी खाते हैं। अगर विवाह ही करना है तो हमरे अनुज लक्ष्मण से कर लो, नहीं तो कुंवारेपन में ही निर्वाह कर लो। आहा, पापा कसम शर्मा रहे हैं हम। ये भी नहीं है बुरा, तलवार से तेज है छुरा। हे लक्ष्मण, मुझसे शादी कर लो, अपनी खाना आबादी कर लो। लक्ष्मण सिर्फ अपने भैया का पानी भरता है। पगला गई हैं आप, कोई अपनी सास से शादी करता है? अरे वाह भैया वाह, क्या बात है। बकलोली कर रहा है। पापा कसम डीपली घुस के सही बकलोली कर रहे हैं। देखिए, उर्मिला हमारी वाइफ है, जिसको हमारी आस है, और हम भैया भाभी के ओनली दास हैं। आप तीर को बनाना चाहती हैं भाला, पापा कसम पतली गली से निकल लीजिए, नहीं तो आपका कर देंगे मुंह काला। सूर्पनखा का इतना अपमान कभी नहीं हुआ, हमारे नाक का नाक से निकल रहा हाथ हुआ। जाओ जाके डूब मरो, बगल में है कुआं। ये स्त्री सीता है मेरे प्रेम के बीच आती, इसे मैं मोर डालूंगी, तब बनोगे तुम मेरे पति और तुम बाराती। पापा का नाक काट डालूंगा। बचाओ बचाओ, अस्ती तलवार लेके आया है, सचमुच हमें नाक काट देगा। अरे वो कहा बीजी पांडे, पगला गए हो, असली तलवार लेकर काहे आए हो? पापा का तो पगला नहीं, बिल्कुल सही है। अरे किसी ने हमारे बारे में सोचा है? इतने साल से सुरीली से डीपली घुस के लव करते हैं।
हमारी शादी की लेकिन गौना नहीं किया। पापा कसम गौना तो गौना, सुनील को पता नहीं कहाँ गायब कर दिए। इनके घर जाओ तो हमसे पापड़ उठवाती है, झाड़ू लगवाती है और साथ में झाड़ू से मारती है, हमारी नाक काट के रखती है लापता के ज्वालों के सामने। नाक का बदला नाक पे लेंगे। अरे मान जाओ बीजी पांडे, कहाँ है? अरे क्या माने पापा कसम भैया, आप हमारी बात समझ नहीं रहे हैं। अरे हमारी हालत भी लक्ष्मण टाइप हो चुकी है, हमारी उर्मिला अयोध्या में, हम यहाँ पानी भर रहे हैं। पापा कसम आज इनकी नाक काट के रहेंगे। अरे भाई शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए रामलीला में पारिवारिक समस्या आ गई है। मिश्री मौसी और बीजी पांडे में आपसी विवाद शुरू हो गया है। मुकुंदी बाबू अभी बात सुलझ गया का? हाँ हाँ कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ कोशिश। मौसी मान कहाँ नहीं जाती हो तुम? हाँ 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 हमने कब मना किया? हाँ बेटा हाँ मान गए हैं। तो लाओगे ना? वापस लाएंगे, कहाँ नहीं लाएंगे। पापा कसम प्रॉमिस कर रही हैं। क्या कर रही है? वचन दे रही हैं। वचन दे रहा है। सबके सामने वचन दीजिए। हाँ 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 वचन देते हैं। अरे देखिए मामला जो है, अरे मामला सिमट गया का? सलर गया मौसी मान गई। हाँ देखिए मामला सिमट गया है, अब आप लोग रामलीला का आनंद उठाइए। अब मिश्री मौसी जाइए नाक कटवाइए। हे लक्ष्मण, पहले तलवार बदल लो। तलवार बदलो। हे लक्ष्मण मत काटो मेरी नाक। कसम टेंशन ना लो, बिल्कुल दर्द नहीं होगा, आके बंद कर लो। सूचना देखिए, रावण का दरबार लग चुका हेंगे। लंकापति रावण अपने राज नर्तकी सुतिलाल के नृत्य का आनंद ले रहे हेंगे। आप लोग भी राज नर्तकी सुतिलाल के नृत्य का आनंद उठाइए। आनंद लीजिए मिर्चा भाभी। केस हो गया है दीवाना, कितने अरमान थे मंदोदरी के,
जो मंद मंद घुट गए इस सुती की नाच देखने के चक्कर में तुम्हारे दादा पर दादा लुट गए। देखना एक दिन तुम भी अपनी लुटिया डुबवाओगे। अपने अहंकार का आगरा लेकर सीधे संगम इलाहाबाद जाओगे। हे लंकेश ये सुत्ती तुम्हें क्यों है लुभाता? इससे अच्छा हम नाचते हैं। ये तुम्हें नजर नहीं आता? हम तो किसी ने कहा ही नहीं। तो अब हम कह रहे हैं सुत्ती जैसी सौत को सह रहे हैं। भोलेनाथ की कृपा तुम्हें कब तक बचाएगी? दस दस अकल है किसी एक से तो काम लो वरना किस्मत कश्मीर हो जाएगी। लंका का सम्मान बचाओ लंके। क्या हुआ बहना? नाक पर तुमने पहना है कोनो नया गहना? सभा माझ बड़ी व्याकुल बहु प्रकार करोही तो ही जियत दसकंदर मोर की आसी गति हो। तुम्हारे बहना टुकड़ों में बट गई, एक ही नाक थी वो भी कट गई। का इस रावण ने जाग जाग कर रात है काटी, काट दूंगा उसकी नाक जिसने तुम्हारी नाक है काटी। बहना तुम्हें लेकर देखे थे जो सपने वो कितने बादामी थे, बस इतना बता दो वो कितने आदमी थे? दो बालक थे लंकेश। दो बालक और तुम अकेली फिर भी नाक और कान कटवा के आ गई। क्या सोच के आई थी कि लंकेश बहुत खुश होगा सबासी देगा? अरे जीजा जी की वाइफ के जीजा जी आप ऐसे कैसे थूक सकते हैं? सॉरी सॉरी। पचास पचास कोस दूर गांव में जब बच्चा नहीं सोता है तो माँ कहती है सो जा नहीं तो लंकेश आ जाएगा। और तुमने उस रावण का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया। सजा मिलेगी बराबर मिलेगी। हमें कहाँ सजा मिलेगी वो तो मिल चुकी है। अरे तुमको नहीं बहना उन दो बालकों को जिन्होंने तुम्हारी नाक और हमारी इज्जत है काटी। सिपाहियों लंकेश सिपाहियों से कुछ नहीं होगा उनका भी मुंह होगा काला। खरदूषण गए थे उनके पास उन्होंने उनको भी मार डाला। खर और दूषण उनका करके प्रदूषण वो बालक समझते हैं अपने आप को भारत भूषण। दो बालकों के साथ एक छोटी सी सुंदर स्त्री भी थी। स्त्री? बहना अब हम उन दो बालकों को तुम्हारे अपमान का मजा चखाएंगे। उनकी स्त्री को उस तरह उठाएंगे। किस तरह? जिस तरह सरकार बनाने के लिए नेता उठाए जाते हैं। हे स्वामी इस तरह अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो। इस नक्कटी बहन के चक्कर में हरिद्वार मत सिधारो। चुप करो मंदोदरी ये बात लंका की आन की है इस दस मुंह वाले रावण के शान की है। हम कौनो ऐसे वैसे रावण नहीं है PWD में काम करते हैं। बुलाओ मामा मारीच को। सुना है आजकल वो हिरन बनकर भी चलते हैं। ए हा कसमो का सकल कताते ही आगे कहीं सहित अभिमान अभागे। ए हा कोई कपट मृग तुम छलकारे जय वेद हरि अनान पना। सूचना देखिए रावण के बुलाने पर छोटू मामा मामा मारिच बन के आ रहे हैंगे। वैसे मारिच तो पिताजी बनते थे इनके।
अरे हम तो सो रहे थे, सपनों में खो रहे थे, क्यों हमारे सपनों का दिया बुझाया? दीदी तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? का बकलोली कर रहा है? हम दीदी नहीं है, सूरपनखा है, तुम मामा मरीच हो। अरे शूर्पनखा, हाँ। तुम्हारी नाक कट गई। वैसे नाक तो पिताजी की कटती थी। मामा बंद करो अपना ड्रामा, दो बालकों ने शूर्पनखा की नाक काट दी, बची खुची इज्जत पब्लिक में बांट दी। ए रावण, हाँ सुनो। सुनाओ। नाक कटी सुपनखा की ये लंका में मशहूर है, लक्ष्मण जी का दोष नहीं बड़ी बहनी का कसूर है, लक्ष्मण जी का दोष नहीं बड़ी बहनी का कसूर है। नाक कटी सुपनखा की ये लंका में मशहूर है, लक्ष्मण जी का दोष नहीं तोरी बहनी का कसूर है, लक्ष्मण जी का दोष नहीं। खामोश, अब हमें है उन दो बालकों से बदला लेना और तुम्हें है हमारा साथ देना। तुम वहां सोने का हिरन बन के जाओगे और उनकी स्त्री को ललचाओगे। जब वो तुम्हारे पीछे तुम्हें मारने आएंगे, हम उनकी स्त्री को उठा लाएंगे। अरे स्त्री तो पिताजी उठाते थे और कभी कभी इस चक्कर में पिट भी जाते थे। क्यों किसी की स्त्री को उठाते हो? अपनी को उठाओ, क्या उठा नहीं पाते हो? क्या बहुत भारी है बिंदुमती? हम तो किसी ने कहा ही नहीं। हे रावण, पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो, क्योंकि नाक कटी सुपनखा की ये लंका में मशहूर है, नाक कटी सुपनखा की ये लंका में मशहूर है, लक्ष्मण जी का दोष नहीं तोरी बहनी का कसूर है, लक्ष्मण जी का दोष नहीं तोरी बहनी का कसूर है। हे रावण, अगर तुम मुझसे ये काम करवाओगे, खुद तो पिटोगे ही, हमें भी पिटवाओगे। हे मामा, चढ़ा है तेरे सर पे जो शराफत का बुखार, वो उतारा जाएगा। उन दो बालकों से पहले तू मेरे हाथों मारा जाएगा। मारे तो पिताजी जाते थे। हे रावण, तेरे हाथों मरने से अच्छा है कि मैं उनके हाथों मारा जाऊं। जिन्हें तू मारना चाहता है वो स्वयं भगवान राम है। ये मामा मारीच तो मरने जा रहा है, लेकिन मरने से पहले तुझे तेरी मौत का पैगाम देके जा रहा है। ए हा छोबारा